नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रेमिका के पिता ने दिन दहाड़े सरेआम प्रेमी की गोली मारकर की हत्या, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। भीलवाड़ा में बियर बार में हुई मारपीट, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भेजा कोतवाली। उत्तर प्रदेश में दो सगे भाई बहन की उल्टी, दस्त और बुखार से अचानक हुई मौत, परिजनों ने मचा कोहरा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के बूंदी में बर्ड प्रीमियर लीग सीजन 4 का फाइनल मुकाबला सुतड़ा स्थित भगत सिंह खेल मैदान पर खेला गया, जहां हजारों की दर्शक दूर से बीपीएल लीग के इस फाइनल महामुकाबले का लुफ्त उठाने भगत सिंह खेल मैदान पहुंचे। बीपीएल लीग में फाइनल मुकाबला ऐतिहासिक रहा। यह ऐतिहासिक मुकाबला सुपर ओवर के साथ समाप्त हुआ। सुपर ओवर में रॉयल चैलेंजर्स डाबी ने राजपुरा पिंक पैंथर्स को हराकर दूसरी बार चैंपियनशिप अपने नाम की। इस लीग में बेस्ट अंपायरिंग करने के लिए अंपायर सिद्धार्थ और बुद्धि प्रकाश को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस लीग में बेहतरीन स्कोरिंग करने के लिए अंकित जादून का माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। लाला राम मीना, आरसीडी कैप्टन। कैसा फील कर रहे हैं आप बीपीएल के चैंपियन बनके? मैं आरसीडी के दूसरी बार हिस्सा हूँ, फर्स्ट में चैंपियन थे, आज बहुत अच्छा लग रहा है जो दूसरी बार आरसीडी चैंपियन बनी है। मैच के अंदर जब मैच चल रहा था उस टाइम आखिरी ओवर तक आपको रनों की जरूरत थी और आपने लास्ट बॉल पे मैच को टाई किया, कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? मुझ पर बहुत दबाव था, मैं सोच रहा था अगर छक्का पड़ गया टाई हुआ तो मेरे पास अच्छा बॉलर है तो हम जीत सकते हैं, तो कोशिश वही करी, बॉलर ने भी आगे बोल दे दी और सिक्स आ गया। सुपर ओवर जब था तब आपकी टीम को ओवर कराना था, तो आपने विशाल को ना चुन के ही इरफान को क्यों चुना? क्योंकि विशाल भी बेहतर बॉल कर सकता था। इरफान मतलब बड़े इसका अच्छा प्लेयर था बोला उन्होंने, तो इरफान को सभी की राय जिसे बोला कि अच्छा बॉलर है तो उसी से बोला ने बोला कि उचित रहेगा। नहीं, पर इरफान की बजाय विशाल ने जो मैच चल रहा था उस टाइम पे मेडन ओवर निकाला, एक और एक रन दिया था ओवर के अंदर, और वही रन आपके इस मैच में काम आए थे। बीपीएल में आरसीडी थी, आरसीडी को रनों की ज़रूरत थी और उस विशाल के एक रन की बदौलत आरसीडी को मैच में लास्ट तक जूझना पड़ा, तो आपने विशाल का ही चयन क्यों नहीं किया और इरफान का चयन क्यों किया? बोला ना, सभी ने बोला कि अच्छा बड़े मैचों का प्लेयर है इरफान, अच्छी बॉलें डालता है मतलब बड़े मैचों में। तो सुमेरपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर सुमेरपुर शहर के चौराहे पर रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। रिटर्निंग अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने आगामी नगर पालिका चुनाव में आमजन से अधिक मतदान करने का आह्वान किया है। इस मौके पर चौराहे पर रंगोली सजाकर आमजन को शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रेरित किया। तो वहीं कार्यक्रम में पालिका ईओ योगेश आचार्य, फ्लाइंग अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित, तो वहीं नरेंद्र पुरोहित, कुलदीप मेहरा समेत प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। मंडल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी करने के साथ ही भावनाओं को भड़काने के मामले में मंडल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो किशोरों को गिरफ्तार किया है। मंडल थानाधिकारी राजेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर मंडल के इंदिरा कॉलोनी निवासी अनीश और हेमराज ने आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी की थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। भीलवाड़ा शहर में एक बियर बार में हुई मारपीट के बाद कोतवाली में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कोतवाली थाना प्रभारी यशदीप भल्ला ने कहा कि सांगानेरी गेट निवासी अमृतलाल खटिक देर शाम को बियर बार में अपने साथियों के साथ गया था। इस दौरान उनके और बियर बार में कार्य करने वाले लड़कों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली भेजा।
इसके पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट का मामला दर्ज कर जांच डिप्टी भंवर रणधीर सिंह को सौंप दी है। रात को 10 बजे करीब सूचना मिली थी कि बंजारा बार पे कुछ व्यक्ति आपस में मारपीट कर रहे हैं। इस पर मैं और जाप्ता मौके पर पहुंचा तो मौके पर तीन व्यक्ति भाग रहे थे जिनको हमने पकड़कर थाने पे लाए। थाने पे लाने के बाद में जब मैं मौके पर पूछताछ कर रहा था तो वहाँ ये पता लगा कि ये व्यक्ति नंद बार में जो है शराब पी रहे थे और वहाँ पीने के दौरान ही इनका वहाँ के कर्मचारियों से झगड़ा हो गया। इस पर मैं मौके पर ही था कि वहाँ मेरे को मेरे कांस्टेबल का फ़ोन आया कि थाने पर कोई राजेंद्र चौधरी के नाम का व्यक्ति है, वो जो जिन व्यक्तियों को पकड़ कर लाया गया उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। इस पर मेरे को उसका फ़ोन आया, फ़ोन पर मैंने उनको समझाया तो वो थाने से चला गया। थाने पर आने के बाद में अमृतलाल खट्टिक ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे साथ ये जो बार है नंद पैलेस बार, इसके कर्मचारी हैं सागरलाल वैष्णव, मुकेश बेवाड़ा, देवी जोगी, पुष्कर और छता दल ने मेरे साथियों के साथ मारपीट की। इस पर SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्रीमान CO साहब व्रत सिटी के जिम्मे की गई। दूसरा प्रकरण जो है अपना ये जो नंद पैलेस बार है, इसके मुकेश कुमार मेवाड़ा ने दिए कि भाई कुछ अज्ञात व्यक्ति हमारे आए थे, उन्होंने होटल में तोड़फोड़ की और हमारे 20,000 रुपये गल्ले में निकाल गए। चूँकि क्रॉस केसेस हैं अतः दोनों मामलों की जो तफ्तीश है वो श्रीमान CO साहब व्रत सिटी के जिम्मे की गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उदयपुर भाजपा कार्यालय के तीसरे फ्लोर पर चल रहे काम में तकरीबन एक माह पूर्व कैलाशी माली नामक श्रमिक की मौत हो गई थी, लेकिन आज तक मृतक के परिजनों को कोई भी सहायता राशि नहीं मिली है। इसी के चलते कई संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक मृतक कैलाशी माली के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं भीलवाड़ा शहर में अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर उठ रहे सवालों से परेशान नगर परिषद इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहा है। आज इस कड़ी में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण का निरीक्षण किया गया। नगर परिषद सभापति ललिता समदानी ने कहा कि शहर में हो रहे अवैध निर्माण के लगातार शिकायतों के बाद और कॉम्प्लेक्स निर्माता की मनमर्जी के खिलाफ अभियान चलाया गया है, जिसमें ऐसे भवन को कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की गई जो अवैध कब्जा कर रहे हैं या फिर बिना नक्शे के निर्माण करवा रहे हैं। आपको बता दें कि सिंधु नगर में हो रहे ऐसे तीन निर्माण कार्यों को रुकवाकर नक्शा परिषद में दिखाने की बात कही है। यदि यह 3 दिवस के भीतर नक्शा नहीं पेश करते तो उक्त निर्माण को हटाया जाएगा। शहर में हो रहे अवैध निर्माण की लगातार शिकायतों के बाद और लोगों की मनमर्जी करने के खिलाफ आज नगर परिषद आयुक्त और मेरे द्वारा शहर का राउंड किया गया तो कहीं ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं को हमने देखा। ऐसी स्थिति में उनसे हमने नक्शा और उनकी स्वीकृति को मांग लिया है और जो भी अवैध निर्माण है उस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अगर नक्शे के विपरीत और बिना नक्शे के जो भी निर्माण हैं वो नियमों के विरुद्ध हैं, ऐसी स्थिति में उन सब लोगों को नोटिस जारी करके और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और यह कार्रवाई अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ लगातार चलती रहेगी। आज सिंधु नगर के जब हम नगर परिषद से निकले थे तो सिंधु नगर के एक रिताज होटल करके हैं उस पे और आगे कोई लाइट हाउस है वो और एक सर्किल के पास कोई नया निर्माण चल रहा था उस पर और उसके आगे और भी अनेकों निर्माण चल रहे थे, उसको सबको देखते हुए और उनसे नक्शा मंगवा लिया गया है और अगर नक्शा नहीं है और नक्शे के विपरीत कार्य है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दहगुआ ब्लॉक क्षेत्र के गांव ढेल निवासी ओमपाल पुत्र कैलाश का 3 वर्षीय पुत्र ललित और 8 माह की पुत्री उन्नति की अचानक उल्टी दस्त होने से उन्हें बदायूं के एक निजी चिकित्सक के पास ले गए
और हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली रेफर कर दिया गया, जहां परिजन दोनों बच्ची को बरेली के एक निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां उनका उपचार करवाया जा रहा है। सुबह दोनों बच्चों ने दम तोड़ दिया, जिससे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है, तो वहीं गांव के लोग भी सकते में हैं। आखिर एक साथ ऐसी कौन सी बीमारी बन गई जो एक साथ दो मासिमों की जिंदगी निकल गया? क्या मामला है? बच्चों की तबीयत हो गई थी खराब, तो वहाँ पर दिखाया था, जिला अस्पताल में भी दिखाया था और भी प्राइवेट में भी दिखाया था, लेकिन बताया डायरिया, इस बात बता रहे थे कि डायरिया बन गया है, लेकिन उपचार नहीं हो पाया ढंग से किसी, फिर बरेली के लिए रेफर कर दिया उन्होंने, फिर बरेली भी उपचार नहीं हो पाया, दो बच्चे थे दोनों खत्म हो गए। दोनों बच्चे खत्म हो गए? कितनी कितनी उम्र थी दोनों बच्चों की? लड़का 2 वर्ष का था और लड़की 8 महीने की। दोनों बच्चे खत्म हो गए इलाज के दौरान? दोनों खत्म। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के गांव सोहनपुरा में रहने वाले युवक आरिफ की आज खेत पर गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि आरिफ अपने ही चाचा जमालुद्दीन की बेटी से प्रेम करता था, तो वहीं आरोपी जलामुद्दीन मौके से फरार हो गया। पुलिस की जानकारी के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते आरिफ की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने प्रेमिका के पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, गुलावटी क्षेत्र में एक प्रेमिका के पिता ने प्रेमी की हत्या की है, क्या पूरा मामला, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये देखिए, आरिफ है 22 वर्षीय युवक था, जिसकी आज सुबह गोली मार के हत्या कर दी गई, जब वो एक दूसरे गांव में मजदूरी करने गया हुआ था। जानकारी करने पर, मौके पर जाने के बाद जो तथ्य जानकारी में आया कि उसका अपने चाचा की लड़की के साथ कुछ इलिसिट रिलेशन का शक था चाचा को, और उसी शक के आधार पर उसने भतीजे को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए VMR भारत TV और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।